Hey guys, once again, welcome back in our channel, Rahman Academy. So guys, जैसा कि आपको पता होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का MBA and MCA का एडमिशन चल रहा है. इसकी मेन वेबसाइट www.bravu.edu.in है. तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा MBA और MCA का रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है. तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं. मैं आगे आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके बताऊंगा एकदम बेसिक से, सो आगे आप मेरे साथ बने रहें. अब तक आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आ जाएगा एडमिशन का फॉर्म भरने तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग. तो चलते हैं हम लोग उसकी डिटेल जानते हैं. यहाँ पर आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले पे शो हो रहा, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे. जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं BRAVU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म गाइडलाइंस यानी कि इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होगा. इसलिए पढ़ना होगा अगर आप एलिजिबल हो या नहीं हो. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं, फिर भी वो किसी न किसी वो क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं. बट क्या होता है, ऐसा क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि आपके एप्लीकेशन फीस वो बेकार चला गया है. तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी इंस्ट्रक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे. तो चलते हैं हम लोग रिगार्डिंग फॉर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट से हैं, जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेन वेबसाइट जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वाली BRAVU.edu.in पे है. कोई भी कैंडिडेट को अगर MBA MCA में इनरोल होना चाहता है तो इस वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद स्टेप सेकंड देखेंगे, फिर उम्मीदवार को लिंक एडमिशन UG प्रवेश. उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा. जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप में बताऊंगा, आप देखते रहें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. फिर उम्मीदवार को अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट किया है, आपने देखा है. क्लिक करना होगा, एक नई विंडो खुल जाएगी और उम्मीदवार को पाठ्यक्रम का चयन करना होगा. इसकी डिटेल में बता रहा हूँ एक एक स्टेप. फिर उसके बाद जब आप ये पूरे डिटेल पढ़ लेंगे, फिर इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ मेन हेडलाइन, जैसे कि आपको पेरेंट्स नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना जरूरी है. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने माता पिता का नाम, धर्म, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि, पता, ID कार्ड आदि दर्ज करना होगा. अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है MCA के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार, जो कैंडिडेट MCA में इनरोल होना चाहता है, वो कृपया ध्यान दे उन्होंने कक्षा 12वीं में या स्नातक स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया होगा. यानी कोई कैंडिडेट MCA करना चाहता है तो उसके लिए 12th में आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, यानी कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है. अगर 12th में नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन में कंपलसरी है. अगर किसी कैंडिडेट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो उनका एप्लीकेशन अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर मेन पॉइंट फिफ्थ जो बताया गया वो भी मेन पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देने की बात है. योग्यता मानदंड सामान्य श्रेणी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो है 50% स्नातक में होना कंपलसरी है. अगर कोई उम्मीदवार, कोई कैंडिडेट 50% से कम है तो उसके एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. और विकलांग यानी हैंडीकैप वाले और अदर कैटेगरी वाले वालों के लिए जो है 45% होना भी कंपलसरी है. ये आप पहले इंस्ट्रक्शन अपने ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म फिलअप करेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपका पैसा भी डूब जाएगा. उम्मीदवारों का तब निर्देशन, फिर उसके बाद पूरी डिटेल आप पढ़ लेंगे. मैं नेक्स्ट छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक मैं एक रिमाइंड कर सकूँ कि MBA MCA का लास्ट डेट जो है कब तक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है.
फिर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर दिया हुआ है जुलाई 2020 जून 2020 बस। फिर प्रोग्राम टाइप पीजी, कोर्स नेम पे क्लिक करेंगे एमबीए एमसीए, सपोज मुझे एमबीए करना है एमबीए पे क्लिक करेंगे, एमसीए पे करना है तो एमसीए पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल टाइप फुल टाइम, यानी कि ये कोर्स जो है रेगुलर मोड में होगा। ये लास्ट डेट जो आप देख रहे हो कैंडिडेट 11/5/2020, यानी कि 5 नवंबर 2020 जो है लास्ट डेट इसकी है एमबीए और एमसीए की। सपोज मुझे एमसीए करना है तो उसके बाद आप क्लिक करोगे। मैं फॉर्म के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप आपको शो करके बता देता हूँ। अगर किसी ने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि पहले से रजिस्ट्रेशन किसी ने कर रखा है, तो उसकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे यूजर नेम और पासवर्ड, या हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा, वो यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट न्यू है, इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। सपोज किसी का नाम है राहुल, तो यहाँ पे राहुल कुमार, तो यहाँ पे राहुल लिखेंगे, लास्ट नेम राहुल कुमार, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जेंडर मेल या फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद अगर नेट आईडी है तो नेट आईडी, उसके बाद नेट आईडी, इसकी जो मैं डिटेल एक अलग से फॉर्म बनाऊंगा, अगर आपको परेशानी होती है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने रिलेटिव तक, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।